Hello students, today we are going to study our first chapter, What's Your Dream? Everyone has some dream in their life. I hope you also have some dream in your life. आप लोगों के भी कुछ ना कुछ सपने जरूर होंगे, जिस तरह से इस छोटे बच्चे के थे, जो कि आप देख सकते हो एक लीची के पेड़ पर बैठा है. नीचे एक ग्रैंड ओल्ड मैन नजर आ रहा है. Who is a beggar? जो कि एक भिखारी है. तो ये भिखारी इस लड़के से पूछता है, What's your dream? और ये क्वेश्चन वो इंग्लिश में करता है. That's why the boy is very surprised. बॉय को बड़ा सरप्राइज होता है कि एक भिखारी उसको इंग्लिश कैसे आती है. लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं करता. वो लड़का उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, इसलिए वो बोलता है, आई डोंट रिमेम्बर आई सेड, मुझे याद नहीं है मैंने रात को क्या सपना देखा था. तब बेगर बोलता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे बताना नहीं चाहते, लेकिन ये तुम भी जानते हो कि मैं तुमसे क्या पूछना चाहता हूँ. इट्स नॉट द लीची सीजन, ये लीची का सीजन नहीं है, फिर भी तुम दोपहर में इस लीची के पेड़ पर बैठे हो, इसका क्या मतलब है. देन द बॉय सेड, आई जस्ट लाइक सिटिंग हेयर, I refuse to admit that I was a dreamer. अब लड़का क्योंकि नहीं बताना चाहता था कि सच में वो कोई सपना देख रहा था, इसलिए उसने कहा कि बस मुझे यहाँ बैठना पसंद है, मैं मेरे बाकी दोस्तों की तरह नहीं हूँ. They had catapults. Catapults मतलब एक तरह की गुलेल. A dream, my boy, is what you want most in life. एक ड्रीम वो होता है मेरे बेटे जो तुम अपनी लाइफ में चाहते हो. तो तुम मुझे बताओगे कि तुम क्या चाहते हो. लड़के ने बोला, मुझे कुछ नहीं, सिर्फ एक रूम चाहिए. ओह, सिर्फ एक रूम, जैसे कि तुम इस पेड़ पर बैठे हो उसी तरह से. लड़के ने बोला, हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ एक छोटा सा रूम चाहिए जिसमें मैं फ्रीडम से रह सकूं. बेगर ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास सचमुच कोई रूम नहीं है. लड़के ने बोला, यस आई हैव अ रूम, बट इट इज वेरी स्मॉल एंड I have to share it with my brother and sister and even sometimes with my aunt. मेरे पास रूम तो है, लेकिन कभी कभी मुझे उसे अपने भाई बहनों और कभी एक आंटी के साथ भी शेयर करना पड़ता है, और मैं चाहता हूँ मेरा खुद का एक रूम हो. बेगर फिर बोला, मुझे लगता है रूम से मतलब तुम्हारा मतलब आजादी से है, शायद तुम्हें फ्रीडम चाहिए. लड़का बोला, हाँ. बेगर ने फिर बोला, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा ड्रीम पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी. लड़के ने फिर पूछा, इज देयर एनी मैजिक फॉर्मूला. बेगर बोला, इफ आई वर अ गॉड मैन, वुड आई बी वेस्टिंग माई टाइम हियर विद यू. अगर मेरे पास कोई मैजिक फॉर्मूला होता तो क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ इस तरह टाइम वेस्ट करता. यू मस्ट वर्क फॉर योर ड्रीम एंड मूव फॉरवर्ड इट ऑल द टाइम एंड डिस्कार्ड ऑल दोस थिंग दैट कम इन द वे ऑफ फाइंडिंग इट. अपना ड्रीम पूरा करने के लिए तुम्हें खुद ही मेहनत करनी होगी, और जो भी ऑब्स्टेकल्स होंगी उन्हें तुम्हें खुद ही दूर करना होगा. एंड देन इफ यू डोंट एक्सपेक्ट टू मच टू क्विकली यू विल फाइंड योर फ्रीडम. और फिर तुम देखना, एक दिन तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम मिल जाएगी, तुम्हारा खुद का रूम होगा. हालांकि हो सकता है बाद में कुछ परेशानी आए. आफ्टरवर्ड्स, द बॉय आस्क, यस आफ्टरवर्ड्स, हो सकता है तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे, इसका कारण तुम्हारा लालच भी हो सकता है. एंड मे बी यू बिकेम केयरलेस, दैट्स वाई सडनली द ड्रीम हैज गोन एंड वेनिश्ड एवरीथिंग. धीरे धीरे सपना दूर हो जाएगा और तुम्हारा सब कुछ तुमसे छिन. लड़की ने फिर पूछा, क्या ऐसा भी हो सकता है. बिकॉज आई हैड माई ड्रीम एंड लॉस्ट इट. बेगर ने कहा, क्योंकि मैंने भी कुछ सपने देखे थे जो मुझसे छिन गए. तो तुमने क्या खो दिया ऐसा. लड़के ने पूछा, यस जस्ट लुक एट मी नाउ माई फ्रेंड, डू आई लुक लाइक अ किंग और गॉडमैन, क्या मैं तुम्हें कोई किंग या गॉडमैन नजर आता हूँ. मेरे पास कुछ भी नहीं है. एक समय था जब मेरे पास सभी कुछ था जो मैं चाहता था, लेकिन फिर मुझे और डिजायर होने लगी. आज जैसे तुमको है, आज तुम्हें एक रूम मिलेगा, फिर हो सकता है तुम बिल्डिंग चाहने लगो. जब बिल्डिंग मिलेगी तुमको टेरिटरी की इच्छा होगी, जब टेरिटरी मिलेगी तो किंगडम की, और जब तुम किंग बन जाओगे तब तुम्हारे पास सब कुछ होगा.
लेकिन ध्यान रहे तुम उसको कहीं खो ना दो। ये किंगडम अगर तुम्हारे हाथ से चले जाएगी तो तुम्हारे पास एक रूम भी नहीं होगा। द बॉय अगेन आस्क्ड, डिड यू हैव अ किंगडम, क्या तुम्हारी कोई किंगडम है? समटाइम्स लाइक दैट, फॉलो योर ओन ड्रीम बॉय, यू डोंट टेक अदर पीपल्स ड्रीम, डोंट स्टैंड इन एनीवन्स वे, डोंट टेक फ्रॉम अदर मैन हिज रूम और हिज फेथ और हिज सॉन्ग। बूढ़े ने फिर से बोला, तुम सिर्फ अपने ड्रीम पे फोकस करो, किसी और के ड्रीम छीनने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे रास्ते में आए, किसी और का रूम, किसी और का फेथ या किसी और का सॉन्ग मत लेना। और फिर वो अपनी ही धुन में गाता चला गया। ये शायद उसका खुद का ही गाना था। उसने बोला, लिव लॉन्ग माई फ्रेंड, बी वाइज एंड स्ट्रॉन्ग, बट डू नॉट टेक फ्रॉम एनी वन हिज सॉन्ग। मीन्स तुम हमेशा जीते रहो, बुद्धिमान रहो, स्ट्रांग रहो, लेकिन कभी किसी से उसका सॉन्ग मत लो। आई रिमेंट ऑन द लीची ट्री पॉन्डरिंग हिज विजडम, वंडर्ड हाउ अ मैन सो वाइज कुड बी सो पुअर। मैं अभी भी उस लीची के पेड़ पर था और सोच रहा था कि कैसे एक आदमी इतना समझदार लेकिन गरीब हो सकता है। हो सकता है ये विजडम उसको बाद में मिली हो। अभी मैं फ्री था, बिल्कुल फ्री, और वो भी फ्री था। मैं अपने घर वापस आया और जैसा मैं चाहता था मुझे मेरा खुद का रूम मिल गया, खुद की फ्रीडम, वो सब जो मैं चाहता था। सो माई फ्रेंड, दिस स्टोरी इज कम्प्लीटेड। दिस स्टोरी इज रिटन बाई रस्किन बॉन्ड, ही वॉज अ वेरी फेमस इंडियन ऑथर। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द स्टोरी वेल। थैंक यू।